नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा यमुना नदी का जलस्तर, 205.50 से बढ़कर 205.76 मीटर हुआ। जगबीर सिंह हत्याकांड में सबूतों के अभाव में बरी हुए भक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। दिल्ली अध्यादेश मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजना चाहती है ये बेंच। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद कहा। उपेंद्र कुशवाहा बोले, भ्रम ना फैलाए, कल एनडीए की बैठक में शामिल रहूंगा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने मेडिकल जमानत की मांग वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली। समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान। गुजरात में निर्विरोध चुनकर राज्यसभा पहुंचे डॉक्टर एस जय शंकर, बाबू भाई देसाई और केसरी देव सिंह झाला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराए दो घुसपैठिए, सर्च ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद कोर्ट के आदेश पर 35 पुलिस वालों के खिलाफ FIR, महंत को फर्जी केस में फंसाने का आरोप। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के काइस और न्योली में फटा बादल, गाड़ियां बही, एक की मौत, दो घायल। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। भोपाल से दिल्ली आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस में लगी आग। कर्नाटक के मैसूर में महिलाओं को शादी का झांसा देकर कीमती सामान लूटने वाला गिरफ्तार। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोन मुडी और उनके परिजनों के परिसरों पर ईडी की रेड। बांग्लादेश की बुरीगंगा नदी में नाव डूबने से 4 लोगों की मौत। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।